पर्पल के साथ ब्लू लेंस लगाने का कोई लॉजिक नहीं है. एंड ये मेरा मेहमान 15 दिन से आया हुआ है. आई थिंक लास्ट ब्लॉग्स में देखा होगा, जा ही नहीं रहे मेहमान. एंड आई एम गोइंग टू वेयर दिस माय फेवरेट प्रिटी कॉन्टैक्ट लेंसेस फ्रॉम ओलेंस. दिस इज कैंडी एक्वा. लव दिस शेड इज माय लव. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शास्त्रस मुसाइमा. और ये है मेरा गेट रेडी विद मी फॉर 2024 ईद. लेंसेस बिल्कुल प्योरली नए थे, मतलब कैरी. यो ओके तो ये मेरा ईद का जोड़ा जो मैंने पहना नहीं किसी नो वेश. और ये है अच्छा पिंक फ्राइडे लाबा. इट्स अ इत्र. एंड यस आज मैं लगाऊंगी ईद. स्मेल सो गुड. जस्ट चेक आउट दिस पेज यार, इट्स सो गुड. लाइक स्पेशली दिस वन, लव दिस वन. अजीशा अजीशा हाँ बेबी ओके ठीक है. सो आई एम डन विद माई मॉइस्चराइजर. लेट मी अप्लाई ब्राउज. ब्राउज में ऑफ है मैं करूँगी. गेट रेडी में थोड़ा अलग होगा. मेरी माशा रेडी हो चुकी है मेरा मेकअप करने के लिए. ले लो हाइलाइटर. कौन लगाता है माइशी? तो हम पहले आईब्रोज कर रहे हैं. ऑफ कैमरा बोला था बट माइशू की हरकतें देख लो आप लोग, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया. मैंने एक्चुअली ब्राउज नहीं करवाई और रमजान की वजह से. माइशू नहीं प्लीज. माइशू ने मेरे सूट पे दाग लगा दिया लिपस्टिक का. दे दो टिश्यू, दे दो यार. मैं बेटा इसीलिए मैं क्या बताऊँ. और अब आप यहाँ से जाओगी भी नहीं, मुझे पता है ना बेटा. करो माइशा. माइशा प्लीज. टिश्यू चाहिए था? नहीं टिश्यू नहीं चाहिए था. ओके यूजिंग टू फेस्ट पाउडर. मैंने प्राइमर नहीं लगाया, शायद मैं लाई भी नहीं हूँ प्राइमर. बस मैंने कंसीलर लगा लिया. बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है. फिर हम लगाएंगे ये क्रीम ब्लश जो कि रैंडमली मैंने अमेजोन से लिया था. आई लव दिस पिंक कलर. फाउंडेशन से पहले लगा रही हूँ मैं फिंगर की हेल्प से. ज़्यादा ही हो गए, इट्स सो पिगमेंटेड एक्चुअली. और ये तीन का सेट था और इसका टिन बॉक्स मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है. एंड यस आई हैव दिस. नो 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 माइशू कंगन नहीं करो, मुझे नहीं करो, नहीं करो माइशा. आई हैव वेरी सिमिलर मैचिंग कलर फाउंडेशन. दिस इज मेबलिन सुपर स्टे अप टू 30 आवर्स लूमी मैट फाउंडेशन. आई लव दिस वन. मैंने इसके ऊपर रिव्यू बनाया था, दो पम्प इन तीन पम्प, बिकॉज इट्स लाइक शेयर टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन. पहले ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे. इट फील्स लाइक योर स्किन गाइज. हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी मैं. ले लो, मजा आ जाएगा. बहुत अमेजिंग फाउंडेशन मेबलिन ने निकाला है, नो डाउट. इट जस्ट सो गुड. और जब भी लोग लगाना पसंद करते हैं ना कि हमें ऑफिस जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए लाइट फील ना हो, ये हमने फाउंडेशन लगाया है. ये वो फाउंडेशन है. नेक पे मैं ज़्यादा नहीं लूँगी एक्चुअली, मेरा गला भी नेक इतना कवर है. तो इस वजह से लेट मी अप्लाई दिस फाउंडेशन. बहुत पसंद आया मुझे ये फाउंडेशन. बस इसका कवरेज उतना अच्छा नहीं है. आई विश कि कवरेज भी बहुत अच्छा होता. इट जस्ट लाइक स्किन बिल्कुल. इसको उद्गल लगाएं. थैंक यू माइशू. थैंक यू बेटा. सी दिस ग्लो, दिस हाइड्रेटिंग ग्लो, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ मैट फिनिश. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लूमी मैट. बहुत अजीब सा नाम है बट हाँ ये है हाइड्रेटिंग. सीटी लग रही है. मुझे कवरेज थोड़ी कम लग रही है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रो फिल्टर फाउंडेशन. आई लव दिस वन, यू गाइस नो दैट. और ये इतना ज्यादा लिक्विड है, बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह. माशा फिर आप मुझसे डांट खा जाओ बेटा. लुक एट दिस कवरेज, इट इज सो गुड. इट्स अ मैट फाउंडेशन बाय द वे. दिस इज अ मैट फाउंडेशन. कंसीलर आज हुआ क्या, हम लोग रेडी हो रहे हैं 3 बजे जो कि बहुत ही लेट है. टच वोड अभी तक कोई गेस्ट नहीं आया एक्सेप्ट एक हमारी फैमिली आई थी बस. मम्मी के हम कल रात चांद रात के लिए बाहर गए थे खाने के लिए. मम्मी को सुबह लूज मोशन और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई. कुछ नहीं कर सकते थे और हम सबके बेबी हैं. आशा भी बहुत परेशान कर देती है, तो इस वजह से हम लोगों को घर में सारा काम सुबह सुबह करना था. आई थिंक ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा आपने. टिशू से मैंने अपने सूट पे लगा हुआ लिपस्टिक का दाग, टिशू से एक्चुअली नहीं गया, उस पर थोड़ा सा सोप लगाया और हो गया. मेरा ये लूज पाउडर खत्म टू फेस्ट का, क्योंकि ये मिनी साइज था. एंड आई थिंक आई विल कैरी माय अदर लूज पाउडर्स इन दिस, बिकॉज मेरे बाकी लूज पाउडर काफ़ी बड़े हैं. एंड आई लव हुडा ब्यूटी एंड वांटेड टू ट्राई लॉरा मर्सिया गाइस. बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने उसके, तो इसके वजह से ना कि मैं वॉइस ओवर करूँगी थोड़ा सा ना, ऐसे बोलने वाली वीडियो कर लेती हूँ.
मज़ा भी आता है। एंड ये वाला सूट मैंने लिया था बटला हाउस ओखला से एंड मुझे बहुत सही प्राइस में मिल गया था, मुझे बहुत पसंद भी आया था दिस कलर। एक्चुअली आई रियली वॉन्टेड टू वेयर दिस कलर, इसलिए मैंने ये कलर लिया। आप सबने ईद पे कौन कौन से कलर के आउटफिट पहने हैं नीचे कॉमेंट में बताना, और जिसका ये सेम आउटफिट है ना वो भी मुझे कॉमेंट में बताना, क्योंकि आप बटला पे गए होंगे तो बहुत से शॉप्स पे ना ये सेम आउटफिट आपको मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है ये, तो हो सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ जिसने भी पहना हो वो मुझे बताना कि ये अपने साइमा जैसा सेम सूट पहना है या फिर हम दोनों का सेम सूट है। सेम सूट है, सेम सूट सेम सेम है। अब मैंने सेट कर लिया अपना बेस, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय बेस आई मेकअप। वी शो यू द आई मेकअप आई हैव कैरी। मम्मी के घर आने के लिए मैं छोटे छोटे मेकअप ब्रशेस लेती हूँ, ये वाले जो थे अमेजोन से लिए थे, और ये वाले जो मॉफी के ओरिजिनल मॉफी के ब्रशेस हैं ये मुझे एज अ पी आर मिल जाते हैं। सो आई हैव दिस लाइट कलर, मेकअप करना उतना भी टफ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और ये बाय द वे ये पैलेट है मार्स का, आगो एंड गेरेंट मार्स में, आई थिंक दिल्ली चेन्नई मुंबई, जो दिल्ली और मुंबई का तो पता है आते हैं। दिस इज अ कंप्लीट फेस पैलेट बाय मार्स कॉस्मेटिक्स, दिस इज दिल्ली, और इसमें आपको इसमें लिखा है ये दिल्ली है मेरी जान बस इश्क मोहब्बत प्यार वाह वाह वाह। एंड यू गेट सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स आई शेडो, जिसमें ये तो पर्पल टोन है, न्यूट्रल टोन है, ये ब्राइट कलर्स, इवन ऐसे ब्राउज भी कर सकते हैं। एंड दिस चंकी ग्लिटर हाईलाइटर इज माई लवर, मैं ये हाईलाइटर ही लगाने वाली हूँ। दिस ब्लश इज सो गुड, कॉम्पैक्ट पाउडर इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वालिटी, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी। एंड दिस ब्रॉन्जर, तो मैं यही पैलेट कैरी कर रही हूँ आज। ऐसे मैंने अपना ये भी लिया था, आई लव दिस वन टू। सो ये पर्पल पर्पल सा शेड हो गया, वहाँ पे चल रही है रुखसार और फहीम की जुगलबंदी, क्या ट्रांजिशन मेरे लाल दुपट्टा मलमल का। ओहो मैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये मेकअप दिखा रही हूँ आपको। ये जो शैम रोज गोल्ड शेड है ना, ये हाइलाइटर, दिस हाइलाइटर आई वांट टू प्लेस अपने आईज में, बहुत ही प्यारा है। हल्का सा मैं ये पर्पल कलर में मिला रही हूँ। मैं इधर भी लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा यही शेड, और इनर कॉर्नर तक भी ले आऊंगी। मैं रिंग लाइट में शूट कर रही हूँ, आई डोंट हैव प्रॉपर लाइट, सो इसकी वजह से थोड़ा सा फेस पे लाइट हार्ड लग सकती है आपको। फहीम के पास यही जुगाड़ था, एंड आई कैन नॉट कैरी माय स्टूडियो हेयर व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है नाउ लो लैश लाइन पे सेम दिस कलर, स्मोकी लाइनर, तो डार्क कलर का जो ये शेड है, दिस डार्क कलर शेड, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन, बट मैंने ये कलर डार्क कलर यूज किया है। और हम इसको एंगल ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे। डीजे पे कर देना, डीजे डीजे पे, इट्स डन। मस्कारा लगाते हैं, स्क्रीन ऊपर है ना तो बार बार आईज ऊपर उछल जाती है, मतलब मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई हूँ। This is Lamel one. पीछे चल रहा है मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो। मस्कारे के बाद जो आंखें लगती है ना भाई, this too harsh light, I hate it. Oh my God, look at this difference. ट्रिक होती है मस्कारा, हमेशा एक कोट सूख जाने दो, अदर आप उस पर कोट कोट करते रहोगे तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। ज़्यादा सूखने भी नहीं देना आपको, मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई हो जाए, क्योंकि सेकंड कोट लगाने का फिर कोई फायदा नहीं होता। ऑलवेज अप्लाई फर्स्ट कोट, लेट इट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन अप्लाई अ सेकंड कोट, एंड जस्ट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ लैशेस। भूत उठ जा मेरा लाल दुपट्टा, तुम्हारा सफेद है दुपट्टा, वैसे लैश लगाओगी? अभी सब लगाऊंगी, पहले आप रेडी हो जाओ। Too much blush, too much blush. देखो मेरी यार क्या simple. सही मेकअप क्या आँखों का? कितना सिंपल मेकअप किया मैंने आँखों का? अच्छा बिल्कुल सिंपल, सिर्फ एक ब्राउन ये वाला ट्रांजिशन लगाया है, ये और ये कलर मिला के सिर्फ शेडो लगाया है। दिस ब्लश सब पीची ब्लश एक्चुअली, ठीक है। And this highlighter, let me show you this. This is gorgeous, guys. It's
see this. ब्लेंड करने के प्रताप है ना इतनी क्यों तुम खूब ये गाना अपने लिए हम कभी गाएं तो कितना अच्छा लगेंगे कितने मीन हो तुम ठीक है यार अपने आप को पसंद करने में क्या मीन मेरे को तो मेकअप करने से मेरे टेक्सचर जो है वो ज़्यादा अच्छे से उभर के दिखते हैं वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है बट दिस इज़ द रियलिटी गाइज यू कैन नॉट हाइड योर टेक्सचर कैन नॉट थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करी पतला चेहरा दिखाने के लिए सेम ब्रॉन्जर लिया सेम ब्रश है क्योंकि मैं ज़्यादा ब्रश लाई नहीं हूँ कंसीलर को सेट करना है डंडना डंडन कैसे पाउडर से मेरा तो पाउडर ये लो ये कमा ये लो ऐसे लो डिप करो और अंडर आइज पे सेट कर लो जो बच्चा कुछ है एक भी शॉट आया अच्छा या नहीं हाँ अरे वो चीज नहीं आती है जो से मैं चाहती हूँ नहीं सोच तुम ज्यादा सोचोगे तो नहीं आएगी तो वो बनाते में कौन से दिल से है यही लिप लाइनर सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का बिल्कुल परफेक्ट न्यू ब्राउन कलर चाहिए ना इट्स नॉट न्यूड इट्स ब्राउन एज यू कैन सी इट्स गाइस मैंने जस्ट वैम्पायर डायरीज मुझे नहीं पता इट्स अ नेटफ्लिक्स सीरीज देखनी स्टार्ट की है एंड आई एम ऑब्सेस्ड लाइक ओ माय गॉड एंड आई लव डेमन आई लव अलीना टू बट मुझे जो डेमन का एक्सप्रेशन होता है नॉट डेमन बहुत सही लगता है ओके नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक पहले तो हम लगाएंगे ये ब्लश बहुत डार्क कर लिया अभी टू मच रेड ब्लेंड करो फाउंडेशन लगेगा ना सब ठीक हो जाएगा This combination. This is a fixing tint by Etude and the shade is Melang Rose. बहुत ही wash करने wash off करने वाला shade है but it's okay. मुझे तो anyhow gloss ही लगाना है my favorite. You know what guys? ये मैंने हाँ कोई बात नहीं अभी हम इसको set कर देंगे इसको beauty blender लो अब लो और उसे set करो And मैंने ये second time खरीदा है This is makeup revolution lip blush plump and tint rehab I love this product लग रहा है अगर मैं love बोल रही हूँ ना which means I love this one And second time ले रही हूँ तो आप सोचो कितना प्यारा है और ये really stock में रहता है Nykaa पे भी रहता है Amazon पे भी रहता है और Myntra भी और मुझे Myntra पे अवेलेबल मिल गया था तो मैंने ले लिया अगर लिंक मिलेगा ना तीनों में जहां भी अवेलेबल हो मैं कहूंगी प्लीज ले लो दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर इट्स नॉट नॉट एग्जैक्टली पिंक इट्स लाइक अ अरे कर्ली पिंक सी ये धीरे धीरे ये कलर आएगा इतना सुंदर लगता है ना यार इतना सुंदर लगता है ना या डैम सो गुड अगर मैं बोलूं मेरा टिप्सी वन और दिस वन फॉर श्योर और टिप्सी से काफी अफोर्डेबल है दिस वाले कलर आई एम ऑलमोस्ट रेडी मैंने बालों में ऐसे करा हुआ है ये मैं बाद में निकालूंगी अभी नहीं और यस अब मैंने बालों को चॉप कराया है कटिंग कराई है इतने थे बहुत पूछ जैसे हो गए थे इसलिए फिर मैंने बालों को कटवा लिया इधर ही कर लिए इतने कटवा लिया एंड आई एम हैप्पी कि अभी वॉल्यूम तो दिख रहा है पीछे भी इतने बाल हैं अब कसम से वॉल्यूम दिख रहा है तो वॉल्यूम बिल्कुल चला गया था मेरा ख़त्म था लेट मी वेयर दिस नेकलेस इट्स फ्रॉम इनारा ज्वेल्स ये हैदराबादी जेवर की दूसरी लाइन है जहाँ पर आपको ये कुंदन इस तरीके के necklaces मिल जाते हैं। Let me remove this out। मैंने इसे dry में लगाया था तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छे से response करेगा। But मुझे इसको निकालने से पहले I think बाकी बाल को कर लेना चाहिए। ये recently एक शादी में गुम हो गया था बट गलती से ये आकांक्षा दीदी के एक पॉलिथिन में गया और एक महीने के बाद मिला उससे पहले तो मैंने इसे रोना वोना कर लिया था क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है यार और मुझे कोई पीआर में भी नहीं आया था मैंने खरीदा था और फिर दोबारा 40,000 का स्ट्रेटनर खरीदना मेरे बस की बात नहीं थी कुछ बेटर बट जो मुझे वॉल्यूम चाहिए था वो नहीं आया क्योंकि वैसे मुझे छोटे वालों से कोई प्यार नहीं है मुझे बड़े वालों लंबे वाल से ही प्यार है बट आई कैन नॉट हेल्प प्रॉब्लम यही थी हो गया सो दिस इज माई ईद लुक गाइस एंड दिस इज माई दुपट्टा माशा को सुलाने के चक्कर में पूरा सूट क्रश हो गया है एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ओके लेट मी शो यू Alright, so this is my final look, guys. Let me know कि मेरा E2024 look कैसा लग रहा है आपको my short hair, obviously. So मैं आपको दिखाती हूँ मेरा full look.
लगा हो ये वीडियो माई चिट चैट गेट रेडी विद मी क्विक गेट रेडी विद मी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया अगर उनके लिंक्स चाहिए तो नीचे कमेंट चेक कर लेना वहाँ मैं पिन कर देती हूँ अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगी क्या दैट वॉज ऑल अबाउट माई 2024 ईद गेट रेडी विद मी चलो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय